एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब. हमने क्या किया, हमने प्लेट्स ली, प्लेट्स की कैपेसिटेंस की वैल्यू ली एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी. अब हम ये चाहते हैं कि ये कैपेसिटर कम जगह पे और चार्ज स्टोर करे. अब जगह तो उतनी है मेरे पास, पर चार्ज और स्टोर करे, यानी कि मैं उसकी क्या इंक्रीज करना चाहता हूँ, कैपेसिटी. अब अगर मैं और कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता हूँ तो किसी ने ये सजेशन दिया कि आप एक कंडक्टर बीच में प्लेस कर दो. ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कहाँ, राइट की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट की तरफ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट की तरफ है, जिसकी वैल्यू क्या है, ई नॉट, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट. ई नॉट का मतलब है इस खाली स्पेस में ई नॉट है, और कंडक्टर के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो. तो हमने प्रॉपर्टी की थी कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर ई जीरो है. ठीक है यहाँ तक. अब दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस कितना है, डी, और जो थिकनेस है प्लेट की वो क्या है, टी. ठीक है, आपने कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया. रूल वही रहेगा, अगर स्लैब ना होती तो कैपेसिटेंस क्या होती, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बात खत्म. पर अगर ये स्लैब है तो आपको कैपेसिटेंस अगर निकालनी है तो पहली प्लेट का चार्ज, चार्ज हमेशा पहली प्लेट का लेते हैं, बाकी तो जो होता है होने दो, पहली प्लेट का चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल, यानी कि इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट के पोटेंशियल को माइनस करेंगे. क्या क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक. तो ये आपके पास आ गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, नहीं, बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल. ऐसा क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होती ना, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है. अब अगर मैं आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस बता दूं पहली और आखिरी प्लेट का, आप यहां पुट करके क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है कौन सा, वैसे बता देता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा है. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, जो ई होता है वो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, डी वी बाय डी आर. तो डी वी की वैल्यू क्या होगी इसमें, ई इंटू डी आर. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस. सिंपल है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई इंटू डी आर. तो देखो कैसे, आप ये देखो कि अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां निकालना है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो. तो अगर इस और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, और लेंथ क्या है, टी. तो टी लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, ई इंटू टी, यानी कि जीरो इंटू टी, ये रहा जीरो इंटू टी. और इस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, और ये रीजन की लेंथ क्या है, टोटल लेंथ है डी, और ये लेंथ है टी. तो ये बची हुई लेंथ कितनी है, डी माइनस टी. तो डी माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट. तो क्या रिजल्ट आएगा, डी माइनस टी इंटू ई नॉट. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, यहां ई नॉट है, इंटू कितना, डी माइनस टी, राइट. और यहां पे क्या है, जीरो इंटू टी. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और बाकी का जीरो. क्या स्टेप क्लियर है. अब इसके अंदर ई नॉट क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स में ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया. तो आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस. कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस वहां से उठा के यहां पुट किया, क्यू से क्यू कैंसिल, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई. लिखो फॉर्मूला बुकलेट में और थ्योरी बुकलेट में, ये बॉक्स में डाल लेना कि कौन सी स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, क्योंकि आज हम इंसुलेटिंग स्लैब भी करने वाले हैं. तो कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला नोट करो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी.
अगर हम कैपेसिटेंस बिना स्लैब के निकालें तो ये फॉर्मूला, और अगर हम कैपेसिटेंस विद स्लैब निकालें तो ये फॉर्मूला, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला कट जाएगा सबको, तो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन सी नॉट। तो यानी कि प्रूव हो गया कंडक्टिंग स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस पहले की कैपेसिटेंस से बढ़ जाएगी। तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला समझ में आ गया। अब कोई कहता है कि एक काम करो, अगर आप डिनोमिनेटर को छोटा कर दें तो कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सिंपल है। अब डी को तो चेंज कर नहीं सकते, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, आप एक काम करो स्लैब की थिकनेस बढ़ा दो, अगर आप थोड़ी और विड्थ की स्लैब डालेंगे तो ये ओवरऑल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, या डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, सही है। तो किसी ने क्या किया, किसी ने स्लैब को बढ़ाना शुरू किया, किया किया इतना बढ़ा दिया कि वो कैपेसिटर की प्लेट को ही टच कर गई। जब वो कैपेसिटर की प्लेट को टच कर गई तो डी किसके इक्वल हो गया, टी। डी जब टी के इक्वल हो गया तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये स्लैब यहाँ टच करेगी, आप यहाँ पर चार्ज दोगे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से सारा चार्ज किस में जाना स्टार्ट हो गया, अर्थ में, और अर्थ की कैपेसिटी तो इन्फिनिटी है, जो मर्जी ले लो, तो इसलिए इनफाइनाइट हो गया। तो इसलिए हम कंडक्टिंग स्लैब को कभी भी दो प्लेट के साथ टच नहीं करते, हम टच नहीं करेंगे इसमें। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक।